नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पूरन गराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था पॉली हैलोजन यौगिक, और जिसमें अपन ने कर लिया था क्या, मेथिलीन क्लोराइड कर लिया था, क्लोरोफॉर्म कर लिया था और आयोडोफॉर्म कर लिया था। अब इसके बाद में है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसके बाद में पॉली हैलोजन यौगिक है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो देखो, चार नंबर पे था कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखो स्टूडेंट, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र, देखिए स्टूडेंट, इसका जो रासायनिक सूत्र है ये होता है CCl4। मतलब चार क्लोरो है, ये चार क्लोरीन है और एक ही कार्बन पे है, तो एक कार्बन है तो मेथेन बनेगा, और चार है तो टेट्रा क्लोरो मेथेन, और एक ही पर है। तो इसका देखो IUPAC नाम, IUPAC नाम, देखो स्टूडेंट, वन एक पे है, वन 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 टेट्रा टेट्रा क्लोरो मेथेन, वन 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 टेट्रा क्लोरो मेथेन, ये हो गया इसका IUPAC नाम, वन 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 टेट्रा क्लोरो मेथेन। ठीक है, ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का IUPAC नाम। ठीक है, अब इसका एक व्यापारिक नाम भी है, इसका व्यापारिक नाम, व्यापारिक नाम, देखो व्यापारिक नाम, इसको बोलते हैं पाइरेन, क्या बोलते हैं पाइरेन। ठीक है, इसको पाइरेन बोलते हैं व्यापारिक नाम में। ठीक है, आप देखते हैं इसका संश्लेषण सिंथेसिस, क्या देखते हैं इसका सिंथेसिस संश्लेषण, किससे बनता है देखो स्टूडेंट, संश्लेषण संश्लेषण सिंथेसिस सिंथेसिस फॉर्मेशन जो भी है। तो देखो स्टूडेंट, संश्लेषण में इसकी जो CH4 है इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे क्लोरीन से, एच न्यू की पोटेंस में, ये मुक्त मूलक हैलोजनीकरण अभिक्रिया है। तो देखो क्या बनेगा, CH3Cl। ठीक है, फिर इसके बाद में फिर से CLC रिएक्शन कराएं, फिर से अपन किसी CLC रिएक्शन कराएं, देखो इसमें निकला क्या HCl बाहर निकला, तो वही फिर से अपन CLC रिएक्शन Cl2 से रिएक्शन कराएंगे उस एच न्यू की प्रेजेंस में ही कराएंगे, तो वही है HCl बाहर निकलेगा, फिर CH2Cl2 बनेगा मेथिलीन क्लोराइड, ये क्या है मेथिल क्लोराइड। ठीक है, अब इसका मेथिलीन क्लोराइड का फिर से अपन कराते हैं किसकी किसके द्वारा, किसके साथ Cl2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में HNO की प्रेजेंस में, वही HCl तो बाहर निकल जाएगा और फिर क्या बनेगा CHCl3, जिसको अपन क्या बोलते थे क्लोरोफॉर्म, जो पिछला वाला था। ठीक है, अब इस क्लोरोफॉर्म की फिर से Cl2 से रिएक्शन HNO की प्रेजेंस में, तो HCl बाहर निकलेगा और बन गया क्या अपना CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या 1-1-1 टेट्रा क्लोरो मेथेन। ठीक है, ये हो गया सिंथेसिस किसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। ठीक है, अब देखो जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है ना, क्या जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये एक कार्बन टेट्रा क्लोराइड स्टूडेंट्स क्या है, जो अपना CNS है, CNS की जो केंद्रीय तंत्रिका कोशिका, ठीक है, CNS की केंद्रीय तंत्रिका कोशिका, मतलब सेंट्रल नर्वस सेल को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हानि, देखो इसकी हानि, ठीक है, क्या क्या नुकसान कर सकता है, देखो एक तो क्या है CNS को प्रभावित करता है स्टूडेंट। ठीक है, CNS को प्रभावित, अब CNS की भी किसको, CNS की सेल को, ठीक है, CNS की सेल को, ऐसा ठीक लगेगा, CNS की सेल को प्रभावित, ठीक है, या CNS को प्रभावित ये भी कह सकते हैं अपन। ठीक है,
अब सीएनएस की सेल्स को प्रभावित करेगा तो क्या आएगा? वही जी मिटलाना, मिटलाना, उल्टी आना, ये लक्षण आएंगे, और चक्कर आना, चक्कर आना, ये क्या करेक्टर शो करेगा। ठीक है, अब देखो एक तो ये करेगा, एक स्टूडेंट इसका ज्यादा मतलब सूंघ ले मान लो तो क्या होगा, जो लीवर है ना, लीवर अपना लीवर यकृत का कैंसर भी हो सकता है इससे, इससे क्या हो सकता है, लीवर कैंसर, लीवर कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, किसके, ये जो अपना CCL4 है इससे लीवर का कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या है कि जो ये जो CCL4 है ना, ये ओजोन परत है ना, ओजोन लेयर, ओजोन परत इसका विरलीकरण करता है, क्या करता है, विरलीकरण। ठीक है, मतलब ओजोन लेयर को डैमेज करता है, ये क्या करता है, ओजोन लेयर को डैमेज करता है। ठीक है, अब ओजोन लेयर डैमेज होगी तो यूवी रेज कहां पे आएगी, यूवी रेज मतलब पराबैंगनी विकिरण, वो कहां पे आएगी, धरातल पे आ जाएगी, पृथ्वी के धरातल पे, सरफेस पे, ठीक है, अर्थ सरफेस पे आएगी, और पृथ्वी के धरातल पे आएगी तो कौन सी बीमारी होगी, एक तो त्वचा संबंधी स्किन डिजीज, त्वचा संबंधी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, त्वचा संबंधी बीमारी होगी और कैंसर भी हो सकता है इससे, क्या हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, और आंखों की बीमारी भी हो सकती है, किसकी, आंखों की बीमारी। ठीक है, आई डिजीज, स्किन डिजीज और कैंसर हो सकता है किससे, भाई ये जो सीसीएल फोर है इसका ज्यादा उत्पादन होगा तो ये ओजोन का क्या करेगा, क्षय करेगा, ओजोन का डैमेज करेगा, ओजोन विलीकरण करेगा, जिससे यूवी रेज, यूवी रेज का मतलब पराबैंगनी विकिरण, ये पृथ्वी के धरातल अर्थ की सरफेस पे आएंगे, अर्थ की सरफेस पे आएंगे तो जो भी जीव है उनकी स्किन डिजीज होगी, मतलब त्वचा संबंधी बीमारी, और कैंसर भी हो सकता है, और आंखों में जलन या आंखों की जो भी बीमारियां हैं वो भी इससे होती है। ये हो गया भाई साहब अपना कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCL4, इसका रासायनिक सूत्र IUPAC नाम, व्यापारिक नाम पाइरेन है, इसका संश्लेषण CH4 का क्या है, क्लोरीनीकरण करवा दो, किसकी प्रेजेंस में, HNU की, सनलाइट की प्रेजेंस में, पहले तो मेथिल क्लोराइड बनेगा, फिर मेथिलीन क्लोराइड, फिर क्लोरोफॉर्म, और फिर वही अपना CCL4। ठीक है, इसकी कमी से क्या है, सॉरी इसकी हानि क्या है, एक तो CNS की सेल को डैमेज करता है। ठीक है, अब जिससे जी मितलाना, उल्टी आना, चक्कर आना आदि लक्षण आएंगे। ठीक है, एक ये जो लीवर का कैंसर के लिए भी उत्तरदायी है। ठीक है, ये यकृत कैंसर के, ओजोन का विरलीकरण करता है, और ओजोन का विरलीकरण करेगा तो स्किन डिजीज होगी, त्वचा संबंधी बीमारियां, कैंसर भी हो सकता है, आंखों संबंधी बीमारियां भी हो सकती है। ये इतनी इतने हानि पहुंचाता है तो कुछ क्या है, उपयोग भी है इसके, कुछ क्या है इसके उपयोग, तो देखो CCL4 के उपयोग, अगला है कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपयोग, यूजेज ऑफ CCL4 या IPSC में क्या बोलते हैं इसको, 1111 टेट्रा क्लोरोमेथेन। ठीक है, और इसका व्यापारिक नाम है स्टूडेंट इसका पाइरेन, क्या है, पाइरेन। ठीक है, तो इसके कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपयोग, यूजेज ऑफ CCL4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन देखो स्टूडेंट, पहला तो ये प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में काम आएगा, इसमें काम आएगा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक, लेबोरेटरी रिजेंट के रूप में काम, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ठीक है,
लेबोरेटरी रिएजेंट, रिएजेंट के रूप में, ठीक है। दूसरा ये क्या है, कार्बनिक विलायकों के रूप में भी प्रयुक्त होता है। इसके रूप में कार्बनिक विलायकों के रूप में, कार्बनिक विलायकों, ऑर्गेनिक सोलवेंट, ऑर्गेनिक सोलवेंट के रूप में, रूप में प्रयुक्त, मतलब के रूप में भी यूज करते हैं इसका, ठीक है। तीसरा इसका उपयोग, तीसरा उपयोग क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, एरोसोल परणोदक के रूप में भी काम आता है। इसके रूप में एरोसोल परणोदक, ठीक है, एरोसोल परणोदक के रूप में, ठीक है, में भी काम आता है, ठीक है। एरोसोल परणोदक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसका उपयोग, इसका जो उपयोग है, एक क्या है, शीतलक के रूप में भी करते हैं। इसके रूप में रेफ्रिजरेटर के रूप, ठीक है, शीतलक के रूप में, ठीक है। तो ये हो गए अपने कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ सीसीएल फोर, ठीक है, प्रयोगशाला अभिकर्मक में, कार्बनिक विलायकों के रूप में, एरोसोल परणोदक के रूप में, शीतलक के रूप में, ठीक है स्टूडेंट। ये हो फिर हो गया अपना क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब इसके बाद में अगला पोली हेलोजन यौगिक है अपना, क्या अगला जो पोली हेलोजन यौगिक है वो है फ्रियोन, क्या है, फ्रियोन या फ्रेयोन भी बोलते हैं, ठीक है। अगला हेलोजन यौगिक, पोली हेलोजन यौगिक है फ्रियोन, ठीक है, फ्रियोन या फ्रेयोन बात एक ही है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये होता है पोली क्लोरो फ्लोरो एल्केन, क्या होता है, पोली क्लोरो फ्लोरो एल्केन को ही क्या कहते हैं अपन, फ्रियो, ठीक है। तो पोली क्लोरो फ्लोरो एल्केन, ठीक है, को क्या कहते हैं अपन, फ्रियोन, ठीक है। इसे सीएफसी भी कहते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन भी कहते हैं इसे, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इसे क्लोरो फ्लोरो कार्बन सीएफसी भी कहते हैं, इसे सीएफसी भी कहते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन भी कहा जाता है किसको, फ्रियोन को, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन को क्या कहते हैं, फ्रियोन, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन सीएफसी भी कहा जाता है। अब देखो इसका संश्लेषण, देखो मैं करता हूं, ये है अपना CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया में HF से करा देता हूं। तो देखो यहां इस Cl को रिप्लेस करेगा कौन, फ्लोरीन, ठीक है, एक Cl प्रतिस्थापित कर देगा और क्या बनेगा, CFCl3 और HCl बाहर निकल जाएगा, तो ये भी क्या बन गया, फ्रियोन, ये क्या है, फ्रियोन, ठीक है। और इसके बाद में आगे और कराएं, और देखो प्लस एच है, फिर इसको रिप्लेस करेगा तो वही माइनस एच सी एल सी एफ टू सी एल टू, आगे चलता रहेगा प्रोसेस, ठीक है। ये क्या बन गया इसका संश्लेषण, ये क्या हो गया इसका सिंथेसिस, संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ सी एफ सी, ठीक है। अब इसका है नामकरण, आयूपीएससी नामकरण, ठीक है, अब इसका क्या है, आयूपीएससी नामकरण, नामकरण, नोमिनक्लेचर,
आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर या नेमिंग। देखिए आईयूपीएससी में इसको बोलते हैं फ्रियोन एक्स वाई जेड। क्या बोलते हैं इसको? फ्रियोन एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रियोन एक्स वाई जेड, ठीक है। आईपीएससी में इसको बोलते हैं फ्रियोन एक्स वाई जेड। और जहां पे एक्स बराबर है कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या माइनस एक, क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या माइनस एक। और वाई, वाई बराबर है हाइड्रोजन एच परमाणुओं की संख्या, एच परमाणुओं की संख्या प्लस एक, ठीक है। एच परमाणुओं की संख्या प्लस एक, ठीक है। और जेड, जेड है एफ फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। देखो आईपीएससी में जो नामकरण करते थे तो फ्रियोन एक्स वाई जेड बोलते हैं, और जहां पे एक्स है कार्बन परमाणु की संख्या माइनस एक, और वाई है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या प्लस एक, और जेड है फ्लोरीन परमाणु की संख्या, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला, अब इसका नाम लिखे अपन सी एफ सी एल थ्री का। तो देखो फ्रियोन क्या लिखेंगे, फ्रियोन, फ्रियोन और एक्स वाई जेड। तो एक्स क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या माइनस एक, कार्बन परमाणु संख्या कितनी होगी इसमें, एक, और माइनस एक तो क्या हो गया, जीरो, ठीक है। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन परमाणु, वाई हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी इसमें, जीरो प्लस एक, तो एक हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद में फ्लोरीन पर, जेड क्या है फ्लोरीन परमाणु संख्या, फ्लोरीन परमाणु संख्या कितनी है, एक, तो इसका क्या नाम हो गया, फ्रियोन जीरो एक एक, ठीक है। देखो फिर से बताता हूं, फ्रियोन एक्स वाई जेड करेंगे तो एक्स क्या है कार्बन परमाणु संख्या, उसमें एक घटा दो, कार्बन परमाणु संख्या क्या है एक, और एक में एक घटा दो तो जीरो ही तो आया, तो एक्स की जगह आ जाएगा जीरो, ठीक है। y क्या है हाइड्रोजन परमाणु संख्या प्लस एक, अब इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या जीरो है प्लस एक, तो मतलब एक हो गया, तो एक आ गया y की जगह, ठीक है। z क्या है फ्लोरीन परमाणु की संख्या, अब इसमें फ्लोरीन परमाणु संख्या कितनी है एक, तो z की जगह क्या आ गया एक, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं ये वाला, इसका और कर लेते हैं नामकरण। देखो सी एफ टू सी एल टू, वही फ्रियोन, फ्रियोन फ्रियोन एक्स वाई जेड। एक्स क्या है कार्बन परमाणु की संख्या माइनस एक, कार्बन परमाणु संख्या एक है, और माइनस एक, एक माइनस एक बराबर जीरो, तो एक्स की जगह क्या जाएगा जीरो। और फिर वाई क्या है हाइड्रोजन परमाणु संख्या प्लस एक, हाइड्रोजन परमाणु संख्या प्लस एक, तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी है इसमें जीरो प्लस एक, तो मतलब एक आ गया वाई की जगह। और जेड क्या है फ्लोरीन परमाणु की संख्या, ठीक है। अब फ्लोरीन परमाणु की संख्या कितना है दो, तो दो, तो ये क्या हो गया इसका फ्रियोन जीरो एक दो, सी एफ टू सी एल टू का नाम, और सी एफ सी एल थ्री का फ्रियोन जीरो एक एक, तो ये हो गया अपना फ्रियोन का नाम। कर देखो फ्रियोन क्या है, फोली क्लोरो फ्लोरो एल्केन को हुई फ्रियोन कहते हैं, इसे सी एफ सी क्लोरो फ्लोरो कार्बन भी कहते हैं, संश्लेषण सी सी एल फोर की एच एफ से अभिक्रिया कराने पर सी जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन का निर्माण होता है, इसका नामकरण क्या है फ्रियोन एक्स वाई जेड लिखते हैं, जहां पे एक्स क्या है कार्बन परमाणु की संख्या में एक घटाने पर, ठीक है। वाई क्या है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या प्लस एक, और जेड क्या है फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, ठीक है। ये हो गया सी एफ सी का नामकरण। अब देखो सी एफ सी है ना फ्रियोन, फ्रियोन कुछ हानियां भी पहुंचाती है, फ्रियोन हानि करती है, देखो क्या करती है, क्या हानि करती है, ये जो वायुमंडल की ओजोन लेयर है ना इसको डैमेज करती है, इसका ही विरलीकरण करेगी ये भी, ठीक है। तो फ्रियोन क्या करती है ओजोन परत है ना, वायुमंडल जो अपना इन्वायरमेंट है
वायुमंडल में उपस्थित उपस्थित ओजोन परत, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, ठीक है, को हानि पहुंचाती है, ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, ठीक है। ये फ्रियोन वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, ठीक है। अब अगर ओजोन परत को हानि पहुंचाएगी तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी के धरातल पे आएगी, ठीक है। तो ओजोन परत को हानि पहुंचाएगी, जिस कारण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकिरण, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है, पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है, जो सीएफसी है ना, ये क्या करता है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत को डैमेज करता है, हानि पहुंचाती है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है। भाई जो ओजोन परत है उसका कार्य क्या है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से अपनी रक्षा करना, ये जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है ना, इससे प्रोटेक्ट करता है अपने जो सरफेस को, अर्थ के सरफेस को, पृथ्वी के धरातल को, वो वहीं रोक लेती है। अब जैसे ही उसको डैमेज हुआ तो जो पराबैंगनी विकिरण है अल्ट्रावायलेट रेज, सीधी पृथ्वी के धरातल पे आएगी, और पृथ्वी के धरातल पे आएगी तो क्या रोग हो गए, वही जो पिछले वाले में सीसीएल फोर में बताए थे, तो क्या होगा, त्वचा संबंधी रोग होंगे। अगर 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 पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी के धरातल पे आएगी तो क्या होगा, त्वचा संबंधी रोग, ठीक है, स्किन डिजीज, ठीक है, फिर आंखों संबंधी रोग आई डिजीज होंगे, ठीक है, कैंसर जन्य भी है पराबैंगनी विकिरण, तो क्या कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी के सरफेस पर पहुंचेंगे तो स्किन डिजीज होंगी, त्वचा संबंधी रोग, ठीक है, आंखों संबंधी रोग होंगे, आई डिजीज और कैंसर होगा, ठीक है। ये होगी फ्रियोन की कमी, मतलब फ्रियोन के कारण जो हानि होती है वो। अब इसके उपयोग, फ्रियोन के उपयोग एप्लीकेशन, फ्रियोन के एप्लीकेशन देखो स्टूडेंट, एक तो यह किसके में काम आती है, परसीतक के रूप में, किसके रूप में, परसीतक के रूप में, ठीक है, किसके रूप में काम आती है, परसीतक रेफ्रिजरेशन के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद में एक क्या है, वायु शीतलक के रूप में, वायु शीतलक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। वायु शीतलक मतलब जो एयर है ना उसको कूल करती है, जैसे एसी है ना, एयर कंडीशनर, उनमें इसका उपयोग किया जाता है, और रेफ्रिजरेटर्स हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक उपयोग है इसका क्या, एरोसोल प्रणोदक के रूप में, एरोसोल प्रणोदक के रूप में, किसके रूप में, एरोसोल प्रणोदक के रूप में, ठीक है स्टूडेंट। एक इसका उपयोग है एरोसोल प्रणोदक के रूप में, तो इसके उपयोग एक तो परसीतक के रूप में, वायु शीतलक के रूप में, एयर कंडीशनर के रूप में, एक रेफ्रिजरेशन के रूप में, और एक एरोसोल प्रणोदक के रूप में, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ये कुछ एक आंकड़ा है कि सन 1974 तक, ठीक है, संपूर्ण विश्व 20 करोड़ पाउंड
20 करोड़ पाउंड सीएफसी का उत्पादन करता था, ठीक है, पाउंड सीएफसी का वार्षिक उत्पादन एक साल में का वार्षिक उत्पादक था, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। 1974 तक विश्व पूरा वर्ल्ड 20 करोड़ पाउंड सीएफसी का उत्पादक था, प्रोडक्ट इतनी सीएफसी उत्पादित होती थी सन 1974 तक, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गई अपनी क्या कंप्लीट थ्योरी। अब इस चैप्टर में हेलो एल्केन और हेलो एरीन में एक टॉपिक बचा है जो कि क्या है डीडीटी, क्या है डीडीटी। अब ये और कर लेते हैं डीडीटी। देखो स्टूडेंट डीडीटी क्या होती है, डीडीटी ये कीटनाशी होती है स्टूडेंट, फाक काली दवाई बोल रहे हैं, ठीक है, डीडीटी पटीड़ी की दवाई भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो डीडीटी देखो डीडीटी देखिए स्टूडेंट क्या है डीडीटी, डी डी टी, ठीक है, डीडीटी इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं डी डी टी, ठीक है। इसका पूरा नाम देखो, पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, डाई क्लोरो नाम पूरा नाम भी बहुत पूछ लिया जाता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ट्राई क्लोरो एथेन ट्राई क्लोरो एथेन, ठीक है स्टूडेंट। यह है डीडीटी का पूरा नाम, फुल फॉर्म हो डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। अब जो डीडीटी है ना, इसका निर्माण किसने किया था, मैन्युफैक्चर सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था, देखिए इसका निर्माण किया था ओथमर जेडलर ने, ओथमर जेडलर ने, ठीक है, ओथमर जेडलर ने 1873 में, ठीक है 1873 ईस्वी में ओथमर जेडलर ने इसका निर्माण किया था। और ये क्या ऑस्ट्रियन केमिस्ट है, कौन है, ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रिया के केमिस्ट, ऑस्ट्रियन केमिस्ट, ठीक है, ऑस्ट्रियन केमिस्ट है ये, ठीक है। तो जो अपना डीडीटी है उसका सर्वप्रथम निर्माण मैन्युफैक्चर किसने किया था, ओथमर जेडलर, जो कि कौन सी सन में 1873 में, जो कि क्या है ऑस्ट्रियन केमिस्ट। और इसके कीटनाशी गुणों का पता किसने लगाया था, वो थे पॉल मुलर ने, ठीक है, कीटनाशी इसके इंसेक्टिसाइड्स प्रॉपर्टी का पता, ठीक है। आप देखो तो जो डीडीटी है डीडीटी के कीटनाशी कीटनाशी गुणों की खोज किसने की, मैंने कराया था पॉल मुलर ने, पॉल मुलर, और ये कहां थे, ये थे गीगी ओसदाले, गीगी ओसदाले ओसदाले स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है स्टूडेंट, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। ये गीगी ओसदाले स्विट्जरलैंड में डीडीटी के कीटनाशी गुणों की खोज पॉल मुलर ने की, किसने, पॉल मुलर ने। अब इसके बाद में है डीडीटी का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ डीडीटी। देखिए डीडीटी का निर्माण या फॉर्मेशन सिंथेसिस कैसे होता है, डीडीटी का संश्लेषण
संश्लेषण सिंथेसिस। देखिए स्टूडेंट डीडीटी का सिंथेसिस, इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है क्लोरी क्लोरल का एक अणु और दो क्लोरोबेंजीन के अणु के मध्य क्रिया कराई जाए तो डीडीटी का एक अणु का निर्माण होता है। देखो ये है अपना क्लोरल सी 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 एल सी एल सी एल सी एच डबल बॉन्ड ओ, ये है अपना क्लोरल सी सी एल थ्री सी एच ओ भी बोल देते हैं, ये है क्लोरल। ठीक है ये हो गया क्लोरल। अब इसका एक अणु हो गया और दो किसके क्लोरो बेंजीन के। ठीक है ये ले लिया मैंने क्लोरो बेंजीन। ठीक है स्टूडेंट ये ले लिया क्लोरो बेंजीन। ठीक है एक अणु और दूसरा अणु इधर ले लेते हैं। ठीक है एक ये ले लिया क्लोरो बेंजीन। ठीक है ये क्लोरेल हो गया और ये क्या हो गए क्लोरो बेंजीन। क्या हो गए क्लोरो बेंजीन। ठीक है स्टूडेंट ये हो गए क्लोरो बेंजीन। अब यहां से H2O बाहर H2O का अणु बाहर निकल जाता है। H2O का अणु माइनस H2O और बचा क्या देखो सी सी एल सी एल ये सी एल और ये भी सी एल ये भी सी एल और यहां पे H और इस O की जगह दो बाउंड है एक बाउंड इससे बना लेगा। यहां पे सी एल नहीं पा रहा थोड़ा सा इसको छोटा पहना सी फिर सी ये एच और ये सी एल। ठीक है इसी प्रकार से ये सी एल ये बन गया अपना डीडीटी। ये क्या बन गया अपना डीडीटी। ठीक है ये क्या बन गया डीडीटी का अणु डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। क्या क्लोरल ये क्लोरल के एक अणु की अभिक्रिया दो क्लोरो बेंजीन से करवाई जाती है तो एक H2O का अणु बाहर निष्कासित हो जाता है और डीडीटी का निर्माण कर लेता है। देखो स्टूडेंट जो डीडीटी है ना ये डीडीटी इसकी हानि ये हानि भी पहुंचाती है अपने शरीर के लिए। तो हानि क्या है ये है ना वसा में विलयशील या घुलनशील है विलयशील है। ठीक है जिस कारण इसका उपापचयन आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है जिस कारण इसका उपापचयन मेटाबॉलिज्म ठीक है उपापचयन आसानी से नहीं होता। ठीक है आसानी से नहीं होता। ठीक है अब इसका उपापचयन आसानी से नहीं होता फिर शरीर में क्या हो जाती है इकट्ठी एब्जॉर्ब हो जाती है जिस कारण यह है शरीर में संग्रहित हो जाती है शरीर में संग्रहित हो जाती है हो जाती है जो कि क्या है हानिकारक जो हानिकारक है जो क्या है हानिकारक है।
तो भाई साहब जो डीडीटी है वो वसा में घुलनशील है, जिस कारण इसका अपापचय शरीर में आसानी से नहीं होता, जिस कारण ये शरीर में संग्रहित हो जाती है, जो कि क्या है, हानिकारक। अब इस हानिकारक प्रभाव के कारण यूएसए ने इसकी खोज के 100 साल बाद खोज कब हुई थी 1875, तो यूएसए ने 1974 में 34 में ठीक है इस पर पूर्ण डीडीटी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, डीडीटी पर या डीडीटी को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया। यूएसए ने 1974 में डीडीटी को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया ठीक है दिया। तो देखो ये निर्माण क्लोरेल से होगा, क्लोरेल की क्लोरोबेंजीन से, क्लोरेल के एक अणु की दो क्लोरोबेंजीन अणु से विक्रिया कराने पर डीडीटी का निर्माण होता है, एक अणु डीडीटी का। ये वसा में घुलनशील, जिस कारण इसका अपापचय आसानी से नहीं होता, जिस कारण ये शरीर में संग्रहित हो जाती है, जो हानिकारक है। यूएसए ने इस प्रभाव के कारण ही यूएसए ने 1974 में ही डीडीटी पर क्या लगा दिया, पूर्ण प्रतिबंध। अब देखो ऐसा ही नहीं कि हानियां नहीं पहुंचाती, इसके कुछ उपयोग भी हैं। क्या इसके एप्लीकेशंस ऑफ डीडीटी, उपयोग, यूजेज। लेकिन एक तो क्या करती है, कीटनाशी के रूप में प्रयुक्त होती है, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में, ठीक है तो किसके रूप में प्रयुक्त होती है, एक तो कीटनाशी के रूप में प्रयुक्त होती है, ठीक है, के रूप में प्रयुक्त, ठीक है स्टूडेंट। एक तो ये किसके रूप में प्रयुक्त होती है, कीटनाशी के रूप में प्रयुक्त होती है अपनी डीडीटी। और एक क्या है, ये मलेरिया उन्मूलन में भी सहायक है, मलेरिया के उन्मूलन में इसका उपयोग किया गया था, ठीक है। तो मलेरिया उन्मूलन में सहायक, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया हमने कीटनाशी डीडीटी के उपयोग, ठीक है। डीडीटी कीटनाशी के रूप में उपयोग करते हैं इसका, और मलेरिया उन्मूलन में भी ये सहायक थी, ठीक है स्टूडेंट। हेलो एल्केन और हेलो एरिन में यहां तक ही है, हेलो एरिन और हेलो एल्केन वाला जो आपका टॉपिक चैप्टर है वो पूर्णतया कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में अगले वीडियो में कोई नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।